गंगा यमुना सरस्वती सरयू मंदाकिनी जितनी भी पवित्र नदियां हैं संसार में, जितनी भी पवित्र नदियां विराजमान हैं, कथा के विराम दिवस में वो सभी पवित्र नदियां संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए शिव रूपी गंगा से मिलने के लिए आती हैं और शिव महापुराण में पहुंचती हैं। अब यह आपका फर्ज है, आप इस विराम दिवस की कथा को कितना ग्रहण करते हैं, कितना लेते हैं, आप कितना अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तिरुपति बाबा के दर्शन करें आप लोगों ने, वेंकटलाल के दर्शन करें, तिरुपति नाथ जी के धक्के खाते 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 लोग धर्म के धक्के में लगते हैं, चाहे पैसे की लाइन में लगते हैं, लगते लगते लोग वेंकटेश भगवान के सामने तिरुमाला में पहुंचते हैं। अब वेंकटेश भगवान के सामने जब पहुंचते हैं, इतना सोना हीरा रतन आभूषण इतने रहते हैं और पीछे से धक्का लगाने वाले ऐसे रहते हैं कि आपको धक्का लगा के बाहर निकाल देते हैं। जो पहली बार गया होता है उसको ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाते। बोलो सही है कि गलत है? सही से दर्शन नहीं हो पाते, धक्का लगा बाहर निकल गए, बाद में जाकर पछतावा हुआ कि मैं इतनी दूर आया, 1000 रुपये का टिकट करवाया और 1000 का टिकट करवाने के बाद भी मुझे सही से दर्शन नहीं हुए, तो क्या मैं केवल होटल में सोने के लिए खाने के लिए आया? जैसे वेंकटेश भगवान का, तिरुपति जी का, श्रीजी बाबा नाथद्वारे वाले का, मेरे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गर्दी बहुत होती है, लोग बोलेंगे भी बहुत, चिल्लाएंगे भी बहुत, धक्का भी मारेंगे, पर उस बीच में आपको वेंकटेश भगवान के मुखाग्रबिंद का दर्शन कर अपनी जिंदगी को सिद्ध करना होता है। उसी तरह पांचवें दिन की कथा में अड़चने भी आएंगी, कुछ कुछ लोग आसपास में बैठकर बोलते भी रहेंगे, पर आपके दिल को आपको बाबा से लगाना पड़ेगा, आपके मन को बाबा से लगाना पड़ेगा। आपको एक बात मालूम है, व्रत करते हो ना, तो उस व्रत में गुस्सा कौन दिलाता है, उस व्रत में मुख से गाली कौन निकलवाता है, तुम्हारे व्रत को तोड़ने का प्रयास कौन करता है, तुम्हारे व्रत को खंडित करने का प्रयास कौन करता है? जिस देवता का तुम व्रत करते हो वही देवता आपके व्रत को पूरा नहीं होने देता। कारण, अगर व्रत पूरा हो गया तो देवता को प्रकट होना पड़ेगा और प्रकट होकर उसको वर देना पड़ेगा, इसलिए देवता कहते हैं कि इसके व्रत में थोड़ी सी खलबली कर दो। इसके व्रत में थोड़ी सी अर्चन कर दो, अगर व्रत में थोड़ी सी अर्चन होगी तो इसका व्रत पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा। मेरे बाबा का ये पावन शिव महापुराण की कथा कहती है कि पांचवें दिन की जो कथा होती है या सातवें दिन की जो कथा होती है, जो दिल से सुनने वाले होते हैं बाबा को, उनके घर जाना ही पड़ता है और कल्याण करना ही पड़ता है। अब ये तो हृदय लगाने वाले के ऊपर है कि जो दिल लगाकर सुना है, मन से स्नेह से भाव से श्रवण किया, उसको मिला। शिव कथा कहती है
शिव जी को पाने के लिए, मेरे बाबा को अपना बनाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत सारा तप नहीं करना, तुम्हें बहुत सारी साधना नहीं करना। कोई तुमसे कह दे कि तुम कैलाश पर जाकर बैठ जाओ बाबा को प्राप्त करने के लिए, गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ बाबा को प्राप्त करने के लिए, तो तुम हाथ जोड़कर कह देना, ना मैं कैलाश जाऊं ना मैं गंगा के घाट जाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, त्यागी बनना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक अच्छा गृहस्थी बनना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन। जितना संतों को भगवान नहीं मिले, जितना साधुओं को भगवान नहीं मिले, जितना तपस्वियों को भगवान नहीं मिले, जितना त्यागियों को भगवान नहीं मिले, उतना उतना भगवान गृहस्थी को मिला है। रामकृष्ण परमहंस जी गृहस्थी थे, संत तुकाराम जी गृहस्थी थे, नामदेव जी गृहस्थी थे, मीराबाई गृहस्थी थे, कर्माबाई, मीराबाई, नामदेव जी, तुकाराम जी, मुक्ताबाई, ये जितने जितने संत हुए हैं, जितने जितने संत, भारत की भूमि पर आप स्मरण करिए, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, इनको परमात्मा को मिलने में देरी हो गई, पर जो घर में रहकर भगवान को दिल से मना लिया, मेरा मुरली मनोहर, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण, मेरा हरि विट्ठल, उसके सामने आ गया। संत तुकाराम जी की धर्म पत्नी कितना क्लेश करती थी, फिर भी शिव जी की, ठाकुर जी की भक्ति तुकाराम जी करते थे। नामदेव जी को कितना कितना कहा गया, तो भी नामदेव जी भगवान की भक्ति करते थे। किसी ने तुकाराम जी से कहा, तुम्हारी पत्नी इतनी गुस्सा करने वाली मिली, इतना अपशब्द बोलने वाली मिली, आपको दुख नहीं होता? आपकी पत्नी इतना क्रोध करने वाली मिली, आपको दुख नहीं होता? संत तुकाराम जी ने कहा, इसमें दुख करने की बात नहीं, इसमें प्रसन्न होने की बात है कि कम से कम मेरी पत्नी गाली देती है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, तो मेरा मन पत्नी से हटकर परमात्मा में चला जाता है, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई ताना देता है, जब कोई अपशब्द कहता है, जब कोई गाली देता है, जब कोई आड़े तेड़े शब्दों से संबोधित करता है, जब कोई हमको अपशब्द कहता है, गाली देता है, ताने देता है, उस समय पर हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा मन उधर से हटकर परमात्मा की ओर चला जाता है, भगवान को प्राप्त करने की ओर चला जाता है। और कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी समय आता है कि व्यक्ति अपने चक्कर में, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए, पत्नी बच्चे कुटुंब परिवार के सुख के लिए, माता पिता भाई बहन के सुख के लिए अपनी जिंदगी को भी नष्ट कर देता। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंदर संजीवनी मंत्र की, संजीवनी मंत्र क्या, किसी के कान में अगर बोल दिया जाए तो वो मरता हुआ भी, मरा हुआ भी जीवित हो सकता है, वो संजीवनी मंत्र महादेव के पास में है। वो किसी देवता के पास में नहीं, केवल एक देवाधिदेव महादेव के पास वो मंत्र है
कि महादेव मरे हुए के कान में भी मंत्र बोल दें तो वो जीवित हो जाता है। आज भी हिमाचल प्रदेश में एक शिवजी का मंदिर है, कभी अब उसका स्मरण हमें नाम तो हमें स्मरण में नहीं आ रहा है, पर अगर आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो वो आ सकता है। उसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है, लिंग महापुराण में भी उसका वर्णन आता है। उसका वर्णन आता है लिंग पुराण के अंदर, उसका वर्णन आता है स्कंद पुराण के अंदर। लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में इसका विशेष वर्णन आता है, विशेष। शायद दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जिस मंदिर के सामने से, भगवान शिव के सामने से मुर्दे को भी अगर लेकर जाते हैं तो उसके शरीर में कंपन होने लगता है, उसको अगर आप कभी नेट पे सर्च करेंगे, यदि आप स्कंद पुराण में पढ़ेंगे या लिंग पुराण में पढ़ेंगे तो उसका वर्णन पूरा मिलेगा आपको, उसका पूरा वर्णन आपको प्राप्त होगा, संपूर्ण वर्णन मिल सकता है। संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है, संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को 33 कोटि देवताओं के पास में भी वो मंत्र नहीं है, किसी के पास वो मंत्र नहीं। वो मंत्र अगर है तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास, उसके सिवाय किसी के पास वो मंत्र नहीं। इसीलिए हमारे यहां बार बार कहा जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा, जो शिव की आराधना करने वाला होता है, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने वाला होता है, जो शंकर के गुणगान में डूबा हुआ होता है, उसके सम्मुख में काल नहीं आ पाता। शंभु शरणे पड़ी मां